बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री मार्कंडेय पुराण की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। ओ सुमति जी अपने पिता को कथा सुना रहे हैं। ऐसे सुमति जी ज्ञानवान, 10,000 जन्मों का जिनको ज्ञान है, ओ राजा अलरक की कथा सुना रहे थे। ऋतध्वज जी के पुत्र हुए राजा अलरक, मदालसा अलरक की माता पिता दोनों वन को जा चुके। माता ने दिव्य ज्ञान अपने पुत्र अलरक को दिया था। तो सुमति जी सुनाते हैं अपने पिता को कि पिताजी, धर्मात्मा राजा अलरक ने अपने पिता ऋतध्वज के अनुसार ही पुत्रों की भांति अपनी प्रजा का न्याय पूर्वक पालन किया। उनके राज्य में प्रजा बहुत प्रसन्न थी और सब लोग अपने अपने कर्मों में लगे रहते थे। वे दुष्ट पुरुषों को दंड देते और सज्जन पुरुषों की भली भांति रक्षा किया करते थे। राजा ने बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान भी किया और इन सब कार्यों में उन्हें बड़ा आनंद मिलता था। महाराजा को अनेक पुत्र हुए जो कि महान, बलवान, अत्यंत पराक्रमी, धर्मात्मा, महात्मा तथा कुमार्ग के विरोधी थे। उन्होंने धर्म पूर्वक धन का उपार्जन किया और धन से धर्म का अनुष्ठान किया तथा धर्म और धन दोनों के अनुकूल रहकर ही विषयों का उपभोग किया। तो इस प्रकार धर्म, अर्थ और काम में आसक्त होकर के पृथ्वी का पालन करते हुए राजा अलरक को अनेक वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु उन्हें वे वर्ष जो हैं एक दिन के समान ही जान पड़े। इतनी तेजी से समय बीत गया। मन को प्रिय लगने वाले विषयों का भोग करते हुए उन्हें कभी भी उनकी ओर से वैराग्य नहीं हुआ। तो उनके मन में कभी ऐसा विचार भी नहीं उठा कि अब धर्म का और धन का उपार्जन पूरा हो गया है। उनकी ओर से उन्हें अतृप्ति ही बनी रही, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा आगे उनके पिता के साथ हुआ था, उन्होंने क्या किया था पिता ने, कि धर्म से धन को अर्जित किया, कामनाएं पूर्ण और फिर मोक्ष की इच्छा लेकर के वन को चले गए, सब कुछ त्याग करके। लेकिन इनके मन में वैराग्य, त्याग की भावना नहीं आई और अतृप्ति बनी रही भोगों की तरफ से, तृप्ति नहीं हुई थी, आसक्ति बनी रही। तो उनके इस प्रकार भोग में आसक्त और प्रमादी तथा अजितेंद्रिय होने का जो समाचार है, उनके भाई सुबाहु ने भी सुना, जो कि वन में निवास करते थे, तपस्वी हो गए थे। अलरक को किसी तरह ज्ञान प्राप्त हो जाए, इस अभिलाषा से, इस इच्छा से उन्होंने बहुत देर तक विचार किया। अब उनकी कोई इच्छा नहीं थी राज्य प्राप्त करने की, धन प्राप्त करने की या किसी लड़ाई झगड़े की, लेकिन यह इच्छा जरूर थी कि अलरक को ज्ञान प्राप्त हो जाए। तो इसलिए अंत में उन्हें यही ठीक ज्ञात हुआ, यही उपाय अच्छा लगा कि अलरक के साथ शत्रुता रखने वाले किसी राजा का सहारा लिया जाए और ऐसा निश्चय करके
वे अपना राज्य प्राप्त करने का उद्देश्य लेकर के असंख्य बल वाहनों से संपन्न होकर के काशी राज की शरण में आए। असंख्य बल वाहनों से जो संपन्न है ऐसे काशी राज उनकी शरण में वो पहुंच गए और काशी राज ने अपनी सेना के साथ अलरक पर आक्रमण करने की तैयारी की और दूत भेज करके कहलवा दिया कि अपने भाई सुबाहु को राज्य दे दो। अब अलरक जो है वो ज्ञानवान थे, राज धर्म के ज्ञाता थे, माता ने बचपन में ही ज्ञान दे दिया था। उन्होंने शत्रु के इस प्रकार आज्ञा पूर्वक संदेश देने पर सुबाहु को राज्य देने की इच्छा नहीं हुई। उन्होंने काशीराज के दूत को उत्तर दिया कि मेरे बड़े भाई को यदि राज्य चाहे तो वो मेरे पास आकर के मांग ले, प्रेम पूर्वक राज्य मांग ले। मैं किसी के आक्रमण के भय से, किसी के आक्रमण के डर से थोड़ी सी भी भूमि नहीं दूंगा। अब सुबाहु भी बुद्धिमान थे, उन्होंने अलरक के पास याचना नहीं की। वैसे भी सोचा कि याचना जो है क्षत्रिय का धर्म है नहीं, क्षत्रिय तो पराक्रम का ही धनी होता है। तब काशीराज ने क्या किया, अपनी समस्त सेना के साथ राजा अलरक के राज्य पर चढ़ाई करने के लिए यात्रा की। तो उन्होंने अपने समीपवर्ती राजाओं से मिलकर के उनके सैनिकों द्वारा आक्रमण किया और अलरक के सीमावर्ती नरेश को अपने अधीन कर लिया। फिर जो है अलरक के राज्य पर घेरा डाल करके उनके जो सामंत राजा होते हैं, थोड़े थोड़े एरियों के जो राजा हैं, थोड़े थोड़े क्षेत्रों के, उनको स्थानारंभ कर दिया। दुर्ग और दुर्ग के रक्षकों को भी काबू में कर लिया, किन्हीं को धन दे करके, किन्हीं में फूट डाल करके, किन्हीं को समझा बुझा कर ही अपना वशवर्ती बना लिया, अपने वश में कर लिया। तो इस प्रकार जो है शत्रु मंडली से पीड़ित वो राजा अलरक है, अलरक के पास बहुत थोड़ी सी सेना रह गई, खजाना भी घटने लगा, शत्रु ने उनके नगर पर डेरा डाल दिया, घेरा डाल दिया चारों ओर। तो इस तरह प्रतिदिन कष्ट पाने और कोष क्षीण होने से राजा को बड़ा दुख हुआ, उनका चित्त व्याकुल हो गया। जब वे अत्यंत वेदना से व्यथित हो उठे, बहुत दुखी हो गए, तो उसी समय सहसा उन्हें उस अंगूठी का स्मरण आया, उनसी जिसको माता ने दिया था, जिसे ऐसे ही अवसरों पर उपयोग करने के लिए उनकी माता मदालसा ने कहा था। तब स्नान करके पवित्र हो उन्होंने ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन करवाया और अंगूठी से वो उपदेश पत्र निकाल करके देखा तो उसके अक्षर बड़े स्पष्ट थे। राजा ने उसमें लिखे हुए माता के उपदेश को पढ़ा जिससे उनके समस्त शरीर में रोमांच हो आया और आंखें जो है प्रसन्नता से खिल उठी। वो उपदेश क्या था, देखो समय दुख का है, भाई विरोध में खड़ा है, राज्य पर शत्रु का आक्रमण हो गया, राज्य हाथ से निकल रहा है, कोष खाली हो गया। उसी समय वो जो है श्लोक मिला, माता का उपदेश मिला अंगूठी से। उसमें बड़े सुंदर शब्दों में लिखा हुआ था, संगः सर्वात्मना त्याज्यः सचेत त्यक्तुं न शक्यते ससद्विषयः कर्तव्यः सतां संगो हि भेषजम्। दो लाइनें और हैं कि कामः सर्वात्मना हेयो हातुं चेच्छक्यते न सह मुमुक्षां प्रति तत्कार्यं सैव तस्यापि भीखजम्। बस इतना सा संदेश।
अर्थात क्या अर्थ है इसका? संग मतलब संग आसक्ति, इसका सब प्रकार से त्याग करना चाहिए। किंतु यदि उसका त्याग ना किया जा सके, संग ना छोड़ सके, आसक्ति ना छोड़ सके, तो क्या करें? तो सत्पुरुषों का संग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सत्पुरुषों का जो संग है वही उसकी औषधि है, दवाई है। कामना को, इच्छा को सर्वथा छोड़ देना चाहिए। परंतु यदि वो ना छोड़ी जा सके, इच्छाएं ना कम हो, तो मुमुक्षा अर्थात मुक्ति की इच्छा के प्रति कामना करनी चाहिए, मुक्ति की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मुमुक्षा ही उस कामना को मिटाने की दवा है। मुमुक्षा ही मुक्ति की इच्छा ही और इच्छाओं को मिटाने की औषधि बताई। तो ये उपदेश है, इस उपदेश को समझने के लिए अनेक बार पढ़ा, पढ़ने की जरूरत है, बार बार सुनने की जरूरत है। अगर ये समझ में आ गया तो सब दुख खत्म। खैर, इस उपदेश को अनेक बार पढ़ करके राजा ने सोचा कि मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा। समझ में आया कि मुक्ति की इच्छा जागृत होने पर, और मुक्ति की इच्छा जागृत होगी कैसे, वो भी समझ में आ गया कि सत्संग से। तो ऐसा निश्चय करके वे सत्संग के लिए चिंतित हुए और अत्यंत आर्त भाव से आसक्ति रहित, पाप शून्य तथा परम सौभाग्यशाली महात्मा दत्तात्रेय जी की शरण में गए और उनके चरणों में प्रणाम करके राजा ने उनका पूजन किया। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय। और न्याय के अनुसार कहा कि हे ब्राह्मण, आप शरणार्थियों को शरण देने वाले हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। मैं भोगों में आसक्त हूँ, अत्यंत आसक्त एवं दुख से आतुर हूँ, आप मेरा दुख दूर कीजिए। तो दत्तात्रेय जी क्या कहते हैं? राजन, मैं अभी तुम्हारा दुख दूर करता हूँ, तो सच सच बताओ तुम्हें किस लिए दुख हुआ है? बस ऐसे पूछा ही है दत्तात्रेय जी ने। और अलर्क जी क्या बोलने लगे, बुद्धि जागृत हो गई जैसे। अलर्क जी कहते हैं कि भगवान, इस शरीर के बड़े भाई यदि राज्य लेने की इच्छा रखते हैं तो ये शरीर तो पांच भूतों का समुदाय मात्र है, पांच भूतों का समूह है। पंच भूत आप समझते हो, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। तो गुण की ही गुणों में प्रवृत्ति हो रही है, इसलिए मेरा उसमें क्या? शरीर में रहकर भी वे और मैं दोनों ही शरीर से भिन्न हैं। ये हाथ आदि कोई भी अंग जिसका नहीं है, मांस, हड्डी और नाड़ियों के विभाग से भी जिसका कोई संपर्क नहीं है, उस पुरुष का इस राज्य में हाथी, घोड़े, रथ और खजाने आदि में किंचित भी क्या संबंध है? इसलिए न तो मेरा कोई शत्रु है और न मुझे दुख या सुख होता है, और न नगर तथा कोष से ही मेरा कोई संबंध है। ये हाथी, घोड़े आदि की सेना न सुबाहु की है, न दूसरे किसी की है, और न मेरी ही है। जैसे कलसी, घट और कमंडलू में एक ही आकाश है तो भी पात्र भेद से अनेक प्रकार का दिखाई देता है, उसी प्रकार जो है सुबाहु, काशीराज और मैं भिन्न भिन्न शरीरों में रहकर भी वास्तव में एक ही है। शरीरों के भेद से ही भेद की प्रतीति होती है, भेद है नहीं, प्रतीति होती है, प्रतीत होता है, अनुभव होता है। तो पुरुष की बुद्धि जिस जिस वस्तु में आसक्त होती है, वहां वहां से वो दुख ही ला करके देती है। मैं तो प्रकृति से परे हूं,
इसलिए ना दुखी हूँ ना सुखी। प्राणियों का भूतों के द्वारा जो पराभव होता है वही दुखमय है। तात्पर्य यह है कि जो भौतिक भोगों में ममता के कारण आसक्त है वही सुख दुख का अनुभव करता है। जो कुछ ज्ञान था वो अलरक जी के मुख से ही निकलने लगा। तो दत्तात्रेय जी कहते हैं कि नरश्रेष्ठ वास्तव में ऐसी ही बात है, तुमने जो कुछ कहा है बिल्कुल ठीक। ममता ही दुख का और ममता का अभाव ही सुख का कारण है, अर्थात ममता के कारण ही दुख है और ममता न होने पर सुख है। ममता का अभाव सुख का कारण बताया। तो मेरे प्रश्न करने मात्र से ही तुम्हें ये उत्तम ज्ञान प्राप्त हो गया। जिसने ममता की प्रतीति को सेमर की रूई की भांति उड़ा दिया तो मनुष्य के हृदय देश में ज्ञान रूपी महान वृक्ष खड़ा है। ममत्व का, ममता का, अहमता का, वो अहमता रूपी अंकुर से ही तो उत्पन्न हुआ है। वो ममत्व आया कहां से? वो ज्ञान, कहा कि वो अहमता रूपी अंकुर से उत्पन्न हुआ। ममता उसका तना बनी, गृह और क्षेत्र उसकी ऊंची ऊंची शाखाएं हैं, स्त्री और पुत्र आदि जो है संबंधी गण वो उसके पल्लव हैं, पत्ते हैं, धन धान्य रूप ये बड़े बड़े पत्ते हैं और वह अनादि काल से बढ़ता चला जा रहा है। पुण्य और पाप जो हैं उसके आदि पुष्प हैं, सुख और दुख उसका महान फल, सुख और दुख उसके महान फल है। तो वह मोक्ष के मार्ग में बाधा है, अर्थात वह मोक्ष के मार्ग को रोक कर खड़ा है और अज्ञानियों का जो संग है वही उस वृक्ष के लिए सिंचाई का काम करता है। सकाम कर्म करने की प्रबल जो इच्छा है वही उस वृक्ष पर भ्रमरों की भांति मंडरा रही है, मंडराती रहती है। कहा कि जो लोग संसार मार्ग की यात्रा से थक करके उस वृक्ष का आश्रय लेते हैं वे भ्रम पूर्ण ज्ञान एवं मिथ्या सुख के वशीभूत हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को आत्यंतिक सुख कैसे मिल सकता है, अर्थात मोक्ष कैसे मिल सकता है? ऐसा सुख जिसका कभी अंत न हो, निरंतर वो आनंद है। परंतु जो सत्संग रूपी पत्थर पर घिस करके तेज किए हुए विद्या रूपी कुठार से उस ममता रूपी वृक्ष को काट डालते हैं, उस अज्ञान रूपी वृक्ष को काट डालते हैं, वे विद्वान पुरुष ही उस मोक्ष मार्ग से जाते हैं और धूल तथा कांटों से रहित शीतल ब्रह्म वन में पहुंच करके सब प्रकार की वृत्तियों से रहित होकर के परमानंद को प्राप्त होते हैं। आहा, तब अलरक जी ने कहा कि भगवान आपकी कृपा से मुझे ऐसा उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ है जो जड़ प्रकृति और चेतन शक्ति का विवेक करने वाला है। ज्ञान तो मिल गया, बात तो समझ में आ गई, लेकिन समस्या क्या है कि मेरा मन विषयों के वशीभूत है, इसलिए वह इस ज्ञान में स्थिर नहीं हो पाता। मैं नहीं जानता कि इस प्रकृति के बंधन से कैसे छूट सकूंगा, कैसे मेरा इस संसार में फिर जन्म न हो, किस प्रकार मैं निर्गुण भाव को प्राप्त हूं और कैसे सनातन ब्रह्म के साथ एकता प्राप्त करूं। ब्राह्मण मुझे ऐसा ही उत्तम योग बताइए जिससे मैं मुक्त हो सकूं। इसके लिए आपके चरणों में मस्तक रख करके याचना करता हूं। क्यों? क्योंकि आप जैसे संतों का संग ही मनुष्यों का परम उपकार करने वाला है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि राजन, योगी को ज्ञान की प्राप्ति होकर के जो उसका ज्ञान से वियोग होता है वही मुक्ति है और वही ब्रह्म के साथ एकता एवं प्राकृत गुणों से पृथक होना है, अलग हो जाना है। मुक्ति होती है योग से, योग प्राप्त होता है
सम्यक ज्ञान से, और सम्यक ज्ञान होता है वैराग्य जनक दुख से, और दुख होता है ममता के कारण, स्त्री पुत्र धन आदि की में चित्त की आसक्ति होने से। तो इसलिए मुक्ति की इच्छा वाली, मुक्ति की इच्छा रखने वाला जो पुरुष है, उसको आसक्ति को दुख का मूल समझ करके यत्न पूर्वक त्याग देना चाहिए। दोबारा बोलते हैं, इसलिए मुक्ति की इच्छा रखने वाला पुरुष आसक्ति को दुख का मूल समझ करके, मूल जड़ मूल समझ करके यत्न पूर्वक त्याग दे। आसक्ति न होने पर ये मेरा है ऐसी धारणा दूर हो जाएगी। ये केवल धारणा है और यही दूर करनी है। ममता का अभाव सुख का ही साधक है। वैराग्य से सांसारिक विषयों में दोष का दर्शन होता है, ज्ञान से वैराग्य और वैराग्य से ज्ञान होता है। जहां रहना हो वही घर है, और जिससे जीवन चल जाए वही भोजन है, और इसके सिवा सब अज्ञान। और राजन, पुण्य और पापों को भोग लेने से, नित्य कर्मों का निष्काम भाव से अनुष्ठान करने से, अपूर्व का संग्रह न होने से, तथा पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का क्षय हो जाने से, मनुष्य बारंबार देह के बंधन में नहीं पड़ता। ये ध्यान रखने की बात है। राजन, यह तुमसे ज्ञान के विषय में जो कुछ बातें बतलाई हैं, ये सब ज्ञान की बातें हैं। अब उस योग का वर्णन सुनो जिसे प्राप्त करके योगी पुरुष सनातन ब्रह्म से कभी पृथक नहीं होता, अलग ही नहीं हो सकता। बताया कि योगियों को पहले आत्मा के द्वारा आत्मा को जीतने की चेष्टा करनी चाहिए। यहाँ टीका दी है कि बुद्धि के द्वारा मन को जीतने की चेष्टा करनी चाहिए, इच्छा करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए इसके बाद। क्यों? क्योंकि उसको जीतना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। इसलिए उस पर विजय पाने के लिए सदा ही यत्न करना चाहिए। तो क्या करें? हमेशा यत्न करो, कोशिश करो, करते रहो प्रयास। इसका उपाय बतलाता हूं क्या कैसे करनी है कोशिश। प्राणायाम के द्वारा राग आदि दोषों का, धारणा के द्वारा पाप का, प्रत्याहार के द्वारा विषयों का, और ध्यान के द्वारा ईश्वर विरोधी गुणों का निवारण करें। सबसे पहले क्या बताएं? प्राणायाम के द्वारा राग आदि दोषों का, धारणा के द्वारा पाप का। प्राणायाम तो समझ में आया, ये धारणा क्या है? कि देश बंधस चित्तस्य धारणा, कि किसी एक स्थान में चित्त को बांधना, अर्थात परमात्मा में मन को स्थापित करना, ये धारणा है। प्रत्याहार क्या है? कि इंद्रियों को विषयों की ओर से हटा करके चित्त में लीन करना, इसे है प्रत्याहार। तो इसके द्वारा, विषयों और ध्यान के द्वारा ईश्वर विरोधी गुणों का निवारण करना। फिर बताया आगे कि जैसे पर्वतीय धातुओं को आग में तपाने से उनके दोष जल जाते हैं, ठीक उसी प्रकार प्राणायाम करने से इंद्रिय जनित जो दोष हैं वो दूर हो जाते हैं। तो इसलिए योग के ज्ञाता पुरुष को पहले प्राणायाम की ही साधना करनी चाहिए। प्राणायाम साधन, प्राण और अपान वायु को रोकने का नाम ही प्राणायाम है, और ये लघु मध्य और उत्तरीय है। इस प्रकार तीन प्रकार का बताया गया है। तो अलर्क, अब मैं उसकी मात्रा भी बता देता हूं, सुनो। लघु प्राणायाम 12 मात्रा का होता है, इससे दूनी मात्रा का अर्थात 24 मात्रा का, मध्यम
और त्रिगुणी अर्थात छत्ती मात्रा का उत्तरीय अथवा उत्तरीय को हम उत्तम कह देते हैं, ये उत्तम होता है। ये मात्रा क्या है, मात्रा किस कितने समय को कहेंगे, ये पलकों को उठाने और गिराने में जितना समय लगता है स्वाभाविक तौर पर, वही प्राणायाम की संख्या के लिए मात्रा कहा गया है। ऐसी ही 12 मात्राओं का लघु नामक प्राणायाम होता है। और अब सुनो, प्रथम प्राणायाम के द्वारा स्वेद को, स्वेद क्या, पसीना, पसीने को, मध्यम के द्वारा कंप को, जो कंपन है से, तृतीय अर्थात उत्तम प्राणायाम के द्वारा विषाद को जीतो, तीसरे के द्वारा विषाद को जीतना है। तो इस प्रकार जो है क्रमशः तीनों दोषों पर विजय प्राप्त करें। जैसी सिंह, व्याघ्र और हाथी सेवा के द्वारा कोमल हो जाते हैं, उनकी कठोरता दब जाती है, उसी प्रकार प्राणायाम करने से प्राण जो है योगी के वश में हो जाता है। जैसे हाथीवान जो है, हाथी चलाने वाला, मत वाले हाथी को भी वश में करके उसको अपनी इच्छा अनुसार चलाता है, उसी प्रकार योगी जो है वश में किए हुए प्राण को अपनी इच्छा के अधीन रखता है, अपनी इच्छा के अनुसार चलाता है। कहा कि जैसे वश में किया हुआ सिंह केवल मृगों को ही मारता है, मनुष्यों को नहीं मारता, उसी प्रकार प्राणायाम के द्वारा वश में किया हुआ प्राण जो है केवल पापों को नष्ट करता है, मनुष्य के शरीर को नहीं। तो इसलिए योगी पुरुष को सदा प्राणायाम में संलग्न रहना चाहिए। और आगे बताते हैं दत्तात्रेय जी, कहते हैं कि राजन, ध्वस्ति, प्राप्ति, संवित और प्रसाद, चार हो गए दोबारा, ध्वस्ति, प्राप्ति, संवित और प्रसाद, ये मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाली प्राणायाम की चार अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी चार अवस्थाएं, ध्वस्ति, प्राप्ति, संवित और प्रसाद। अब क्रमशः इनके स्वरूप का वर्णन है कि जिस अवस्था में शुभ और अशुभ सभी कर्मों का फल क्षीण हो जाए, चित्त की वासना भी नष्ट हो जाए, उसका नाम है ध्वस्ति। और जब योगी इस लोक और परलोक के भोगों के प्रति लोभ और मोह उत्पन्न करने वाली समस्त कामनाओं को रोक करके सदा अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, वह निरंतर रहने वाली प्राप्ति नामक अवस्था है। और जिस समय योगी सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र तथा ग्रहों के समान प्रभावशाली होकर के उत्तम ज्ञान संपत्ति प्राप्त करता है, और उस ज्ञान संपत्ति से भूत भविष्य की बातों को तथा दूर स्थित एवं अदृश्य वस्तुओं को भी जान लेता है, उस समय प्राणायाम की संवित नाम की अवस्था होती है। इसके बाद जिस प्राणायाम से मन, पांच प्राण वायु, संपूर्ण इंद्रियां और इंद्रियों के विषय प्रसाद को प्राप्त होते हैं, वह उसकी प्रसाद अवस्था है। तो ये प्राणायामों की चार अवस्था। तो राजन, अब प्राणायाम का लक्षण तथा योगाभ्यास में निरंतर प्रवृत्त रहने वाले योगी के लिए जो विहित आसन है वो बताता हूं। सुनो, पद्मासन, अर्धासन, स्वस्तिकासन, और भी आसन है, लेकिन इनमें से किसी भी आसन में बैठ करके मन ही मन प्रणव का चिंतन करते हुए योगाभ्यास करें। शरीर को समभाव से रखे, आसन भी सम हो, दोनों पैरों को समेट करके, दोनों जांघों को आगे की ओर स्थिर करके, मुंह को बंद किए रहे, एड़ियों को इस प्रकार रखे कि जिससे वे लिंग, अंडकोशों आदि का स्पर्श ना करे, मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए स्थिर रहे, मस्तक को कुछ ऊंचा किए रहे, दांतों का दांतों से स्पर्श ना हो, अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखते हुए
अन्य दिशाओं की ओर ना देखे, रजोगुण से तमोगुण की और सत्वगुण से रजोगुण की वृत्ति को भली भांति आच्छादित करके निर्मल सत्व में स्थित हो, योग वेत्ता पुरुष जो है योग का अभ्यास करे। इंद्रिय प्राण आदि और मन को उनके विषयों से हटा करके प्रत्याहार आरंभ करे। कहा कि जैसे कछुआ अपने सब अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार जो समस्त कामनाओं को संकुचित कर लेता है वह निरंतर आत्मा में ही रमण करने वाला और एकमात्र परमात्मा में स्थित हुआ पुरुष अपने आत्मा में ही आत्मा का साक्षात करता है। तो विद्वान पुरुष बाहर भीतर की शुद्धि का संपादन करके कंठ से लेकर के नाभि तक शरीर को प्राण वायु से परिपूर्ण करते हुए प्राणायाम आरंभ करे। ये प्राणायाम 12 हैं, उन्हीं को धारणा भी कहते हैं। तो तत्वदर्शी योगियों ने योग में 2 धारणाएं बताई। उनके अनुसार योग में प्रवृत्त हुए नित्य आत्मा योगी के सभी दोष जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं तथा वह स्वस्थ भी हो जाता है। वह परब्रह्म परमात्मा को और प्राकृत गुणों को पृथक पृथक देखता है। व्योम से लेकर के परमाणु तक का साक्षात्कार करता है तथा निष्पाप आत्मा का भी वो दर्शन कर लेता है। तो इस प्रकार जो है प्राणायाम परायण एवं मिताहारी सीमित आहार करने वाला अल्पाहार योगी पुरुष जो है धीरे धीरे एक एक भूमि को वश में करके दूसरी पर पैर बढ़ाए। जैसे महल में जाते समय एक एक सीढ़ी को पार करके दूसरी पर चढ़ा जाता है, तो जो भूमि अपने वश में नहीं हुई है उसमें जाने से वो दोष रोग आदि दुख तथा मोह को बढ़ाती है। इसलिए धीरे धीरे सीढ़ी सीढ़ी शनि शनि चढ़ना है, सीढ़ी दर सीढ़ी। इसलिए उस पर न चढ़े, भाग करके नहीं, जल्दबाजी नहीं करनी है। प्राण वायु के निरोध को प्राणायाम कहते हैं। अपने मन को संयम में रखने वाले योगी पुरुष जो है शब्द आदि विषयों की ओर जाने वाली इंद्रियों को उनकी ओर से योग द्वारा प्रत्याहृत करते हैं अर्थात निवृत्त करते हैं, इसलिए यह प्रत्याहार कहलाता है। तो योगी महर्षियों ने इस विषय में ऐसा उपाय भी बतलाया है जिससे योगाभ्यासी पुरुष को रोग आदि दोष नहीं होते। जैसे जलार्थी मनुष्य, जल का इच्छुक मनुष्य यंत्र नली आदि की सहायता से धीरे धीरे जल पीता है, उसी प्रकार योगी पुरुष जो है श्रम को जीत करके धीरे धीरे वायु का पान करे। पहले नाभि में, फिर हृदय में, इसके बाद तीसरे स्थान अर्थात वक्ष स्थल में, उसके बाद क्रमशः कंठ मुख नासिका के अग्रभाग, नेत्र भौहों के मध्य भाग में तथा मस्तक में प्राणवायु को धारण करे। उसके बाद परब्रह्म परमात्मा में उसकी धारणा करनी चाहिए, यह सबसे उत्तम धारणा मानी गई है परब्रह्म में। तो इन 10 धारणाओं को प्राप्त होकर के ये 10 सीढ़ियां हैं, धीरे धीरे एक एक करके पार करनी। 10 धारणाओं को प्राप्त होकर के योगी जो है फिर अविनाशी ब्रह्म की सत्ता को प्राप्त होता है। तो राजन, सिद्धि की इच्छा रखने वाला योगी पुरुष बड़े आदर के साथ योग में प्रवृत्त हो, वह अधिक खाए हुए अथवा खाली पेट, थका और व्याकुल चित्त न हो, जब अधिक सर्दी या बहुत अधिक गर्मी पड़ती हो, सुख दुख आदि द्वंद्वों की प्रबलता हो अथवा बड़े जोर की आंधी चल रही हो, ऐसे अवसरों पर ध्यान परायण होकर के योग का अभ्यास नहीं करना चाहिए। और भी बताया कि कोलाहल पूर्ण स्थान में जहां बहुत ज्यादा शोर हो रहा हो, आग के पास, पानी के पास, पुरानी गौशाला में, चौराहे पर, सूखे पत्तों के ढेर पर, नदी में, शमशान भूमि में, जहां सर्पों का निवास हो, भयपूर्ण स्थान में, कुएं के तट पर, मंदिर में जहां बहुत से लोग आ जा रहे हो, दीमकों की मिट्टी के ढेर पर, तो इन सब स्थानों में जो तत्वज्ञ पुरुष हैं वो योगाभ्यास ना करें।
जहाँ सात्विक भाव की सिद्धि ना हो, ऐसे देश काल का परित्याग कर दे। योग में असत वस्तु का दर्शन भी निषिद्ध बताया है, इसलिए उसको भी छोड़ दे। जो मूर्खता बस उक्त स्थानों की प्रवाह ना करके योगाभ्यास आरंभ करता है, अर्थात जहां मन किया वहीं बैठ करके योगाभ्यास करने लग गए, शास्त्र की बात नहीं मानी, देश काल पात्र का विचार नहीं किया, देश काल की व्यवस्था का, समय का, तो फिर क्या होता है, योगी रोगी बन जाता है। क्या होता है वीर, उसके कार्य में विघ्न डालने के लिए बहरापन, जड़ता, स्मरण शक्ति का नाश, गुंगापन, अंधापन और बुखार आदि अनेक दोष जो हैं तत्काल प्रकट हो जाते हैं। तो यदि प्रमादवश योगी के सामने ये दोष प्रकट हो तो उसे सावधान हो जाना चाहिए और उनका नाश करने के लिए जिस चिकित्सा की आवश्यकता है वो करनी चाहिए। अब वो चिकित्सा कौन सी है वो भी बताई है दत्तात्रेय जी। कहते हैं कि यदि वात रोग हो जाए, गुल्म रोग हो जाए, या उदाव्रत अर्थात गुदा संबंधी रोग हो जाए, तथा कोई और उदर संबंधी रोग हो जाए पेट संबंधी, तो उसकी शांति के लिए घी मिलाई हुए जौ की गरम गरम लपसी खा लें, या फिर नहीं है व्यवस्था तो उसके दृढ़ता से धारणा करें। वह रुकी हुई वायु को निकालती और वायु गोला को दूर करती है। तो इसी प्रकार जब शरीर में कंप पैदा हो तो मन में बड़े भारी पर्वत की धारणा करें। बोलने में रुकावट होने पर वाग देवी की, बहरापन आने पर श्रवण शक्ति की धारणा करे। इसी प्रकार प्यास से पीड़ित होने पर ऐसी धारणा करे कि जिह्वा पर आम का फल रखा हुआ है और उससे रस मिल रहा है। तात्पर्य क्या है, यह है कि जिस अंग में रोग पैदा हो वहां वहां उसमें लाभ पहुंचाने वाली धारणा करे। गर्मी में सर्दी की और सर्दी में गर्मी की धारणा करे। धारणा के द्वारा ही अपने मस्तक पर काठ की कील रख करके दूसरे काष्ठ के द्वारा उसे ठोकने की भावना करें। ऐसा करने से क्या होगा, जो स्मरण शक्ति नष्ट हो गई है प्रमाद के कारण, इससे योगी की लुप्त हुई स्मरण शक्ति तत्काल ही आविर्भाव को प्राप्त होती है, बढ़ जाती है। इसके सिवा सर्वत्र व्यापक द्योलोक, पृथ्वीलोक, वायु और अग्नि की भी धारणा करें। इससे अमानवीय शक्तियों तथा जीव जंतुओं से होने वाली जो बाधाएं हैं उनकी चिकित्सा हो जाती है। और यदि मानवेत्र जीव योगी के भीतर प्रवेश कर जाए, कोई जीव जंतु घुस जाए, योग में ध्यान नहीं रहता, तब क्या करें, तब वो वायु और अग्नि की धारणा करके उसे अपने शरीर के भीतर ही भस्म कर दे, जला दे। तो इस प्रकार योगवेत्ता पुरुष को सब प्रकार से अपनी रक्षा करनी चाहिए। क्यों रक्षा क्यों लिख दी, रक्षा क्यों बताई, क्योंकि ये शरीर जो है ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का साधक है। शरीर होगा तो धर्म और उससे अर्थ और काम और फिर इसी से तो मोक्ष होगा, यही तो मोक्ष का साधन है। तो इसके शरीर की रक्षा करनी है। तो योग प्रवृत्ति के लक्षणों को बतलाने तथा उन पर गर्व करने से योगी का विज्ञान लुप्त हो जाता है। दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि भाई जो लक्षण हो उन पर गर्व ना करें, अभिमान ना करें, जो अनुभव हो चमत्कार दिखाई दें। और अगर ये आगे बताएंगे तो फिर क्या होगा, ये लुप्त होने लग जाएंगे। इसलिए उन प्रवृत्तियों को गुप्त ही रखना चाहिए। अब सुनो, चंचलता का ना होना, निरोग रहना, भाई अब तो रोग भी कोई नहीं आता, चंचलता नहीं रही, मन शांत हो गया, निष्ठुरता धारण करना,
उत्तम सुगंध आना, अच्छी अच्छी सुगंधियाँ आना अपने आप कहीं कहीं से, मल मूत्र कम हो जाना शरीर से, शरीर में कांति चमक आ जाना और मन में प्रसन्नता और वाणी के स्वर में कोमलता का उदय हो जाना, ये सब जो है योग प्रवृत्ति के प्रारंभिक चिन्ह हैं। भाई शुरुआत हो गई, रास्ता ठीक है। और यदि योगी को देख करके लोगों के मन में, और जो लोग हैं उनके मन में अनुराग हो, वो अच्छा लगने लगे वो उनको, परोक्ष में सब लोग उसकी उसके गुणों का बखान करने लगे, परोक्ष में उसके सामने नहीं पीछे बात, और कोई भी जीव जंतु छोटे बड़े जितने जीव जंतु हैं कोई उससे भयभीत ना हो, कोई ना डरे, उसके पास आते जाते रहें, चलते रहें, फिरते रहें, तो यह योग में सिद्धि प्राप्त होने की उत्तम पहचान है। जिसे अत्यंत भयानक सर्दी गर्मी आदि से कोई कष्ट नहीं होता तथा जो दूसरों से भयभीत नहीं होता, उससे कोई भयभीत ना हो और वो भी किसी से भयभीत ना हो, तो समझो सिद्धि उसके निकट खड़ी हुई है। तो इतना ज्ञान जो है दत्तात्रेय जी ने राजा अलर्क को दिया। इसके बाद और भी बहुत ज्ञान की बातें सुना रहे हैं आगे, योग के विघ्न, योगी तो बनना चाहते हैं, योग शुरू तो कर देते हैं लेकिन उसमें रुकावटें आती हैं, कौन कौन से विघ्न हैं योग के, उनसे बचने के फिर उपाय क्या हैं, ये धारणा, सात धारणा, आठ ऐश्वर्य होते हैं तथा योगी की मुक्ति कैसे होती है, कैसे योगी मुक्त होता है, ये सब ज्ञान जो है आगे के अध्याय में दिया जाएगा। आज यहीं पर ये अध्याय जो है विश्राम को प्राप्त होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए श्री मार्कंडी पुराण की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।